आज मैं आप लोगों को फ्री फायर के भुया पास के एक ऐसे इवेंट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पर आप लोग स्पिन करने के बदले में आपको भुया पास दे दिया जाएगा। सो गाइस ये इवेंट कब से स्टार्ट होने वाला है, क्या क्या रिवॉर्ड आपको मिलने वाली है, सारा डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, वीडियो को पूरा एंड तक देखो। तो चलो गाइस फटाफट कर लेते हैं वीडियो की स्टार्ट। ओके, सबसे पहले तो आप लोगों का हर वीडियो में कमेंट आ रहा है कि भाई फ्री फायर में M1014 का ईवो गन आने वाली थी, वो कब तक आ जाएगा, उसका कन्फर्म डेट बता दो। तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए इसका कन्फर्म डेट भी आ चुका है। ये इवेंट 5 मई से लेकर के 10 मई के बीच में आपको कभी भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा सा वेट करो। एंड इसके अलावा फ्री फायर में एक ऐसा इवेंट आने वाली है ना गाइस जहां पर आपको एक नहीं बहुत सारा रिवॉर्ड मिलने वाली है, और उस इवेंट पे मैं वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके रखो ताकि वो वीडियो मैं जैसे अपलोड करूंगा आप लोग देख पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं फ्री फायर के भुया पास इवेंट के बारे में। सो गाइस बेसिकली इस इवेंट में क्या होगा कि आपको दो ऑप्शन दिया जाएगा। पहले ऑप्शन से अगर आप लोग भुया पास परचेस करना चाहते हो तो डायमंड देकर के परचेस कर सकते हो, और अगर आप लोग चाहते हो कि स्पिन करके निकाला जाए, मतलब आप लोग सोच सकते हो कि भाई 9 डायमंड में आपको भुया पास मिल सकता है, 10 डायमंड में मिल सकता है, तो स्पिन करके लक आजमा करके भी आप लोग निकाल सकते हो। तो इस इवेंट का इंटरफेस वगैरह कैसा होगा वो आप लोग स्क्रीन पर देखिए। उससे पहले ये जो इवेंट है ये सीजन 5 से स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो कि काफी कमाल कमाल का भुया पास का रिवॉर्ड आपको दिखाया जा रहा है, और ये सारा रिवॉर्ड आपको मई में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ साथ इस भुया पास में आपको ओरियन कैरेक्टर भी बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले ये भुया पास का पूरा इंटरफेस वगैरह देख सकते हो, भुया पास में कौन कौन सा रिवॉर्ड आपको मिलेगा, कौन कौन सा बंडल मिलने वाली है वो भी आप लोग देख सकते हो, स्काईबोर्ड कैसा रहने वाला है। स्काईबोर्ड तो मेरे को ठीक ठाक ही लग रहा है, बट इसका जो बंडल था ना गाइस वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगा है। एंड इसके अलावा गन की स्किन वगैरह आप लोगों को इस भुया पास में देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप लोगों को प्रैंक की स्किन भी मिलने वाली है, प्रैंक की स्किन भी मेरे को काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है, इसके डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है। एंड ये हमारा बैकपैक की स्किन मेरे को थोड़ा बहुत चिमकांडी जैसा लग रहा है, ये देखो आप लोग लग रहा है ना गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताओ, ठीक है? तो ये हमारा बैकपैक स्किन है। इसके अलावा इस भुया पास में आप लोगों को एक इमोट भी देखने के लिए मिलेगा, और जो भुया पास में आपको दिखा रहा हूँ ये आपको मई में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है? सो गाइस अब आप लोग स्क्रीन पर देखो इसका जो मैकेनिज्म या फिर आप लोग इंटरफेस वगैरह कैसा होगा इस इवेंट का वो तो आप लोग स्क्रीन पर देखिए। सो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पहला स्पिन 10 डायमंड का या 9 डायमंड का होने वाला है, तो आप लोग स्पिन करोगे, हो सकता है आपके पहले स्पिन में भुया पास मिल जाए, मतलब 9 डायमंड में आपको भुया पास मिल सकता है। तो आप लोग स्पिन करके भी अपना लक ट्राई कर सकते हो। सेम टू सेम हमारा फेडरेट व्हील में कैसे होता है कि भाई पहली स्पिन 9 डायमंड के हम लोग किए नहीं मिला, फिर हम लोग सेकंड स्पिन करेंगे कुछ डायमंड बढ़ जाएगा, तो सेम टू सेम हमारा भुया पास का भी सेक्शन में ऐसा ऐड हो जाएगा जहां पर आप लोग स्पिन करोगे, अगर आपको भुया पास नहीं मिलेगा तो कुछ और रिवॉर्ड को ऐड कर दिया जाएगा जहां से वो रिवॉर्ड वगैरह भी ले सकते। तो आप लोगों को सारे इवेंट के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।